अब तक आपने देखा। प्रियोम भैया का कॉल है, उसे ये पता नहीं लगने दे सकते हम। अभी तुम्हें घर जाना होगा गुड्डी। गुड्डी अपने कमरे में नहीं। नहीं। अब देखिए आगे। हम आपका स्वागत करते हैं और ये पूछने की हिमाकत करते हैं कि रात को 2 बजे कहां चले गए थे आप दोनों। जवाब चाहिए अभी। अब आपसे पूछता हूं कोनों पूछिया कि प्रियोम के साथ इतनी रात को जाने का मकसद क्या है। दादाजी हम गुड्डी को ढूंढने गए थे। दद्दा जी गुड्डी बच्चों के कमरे में है। गुड्डी घर में, लेकिन वो तो चलो अच्छा है। अब दद्दा जी के गुस्से का कहर इस पूनम पर बरसेगा। एकरा मत बल्कि हुआ कि प्रियोम का मेहरारू सत्य कह रही थी। कारे ठाकुरवा इका रास लीला लचा दिया। बिहार की आला कनवक्सा हाँ? और इशक मना रही है एकरा साहब। दादी आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं अपनी बहू से? हमका नहीं जिंदगी का पाठ पढ़ाएगा तू। दोनों दीन ईमान मान मर्यादा आन मान शान कुछ नहीं। हमें तेरा तारीफ क्या फालतू का कि माँ बाप ने संस्कार दिया था। ये संस्कार है। ए प्रियोम दिमाग नहीं पड़ता। अरे इससे अच्छा तो तोहरा मेहरारू है जो अपना बुरा चीज को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है जिंदगी में। सुना था हम कि प्रेम अंधा होता है। सुना था, आज साक्षात देख भी लिया। दत्ता जी बस। प्रियोम बड़ों से जबान दराजी करना सीखा कहाँ तुम लोगों ने? इस घर में बड़ों के सामने कोई मुंह नहीं खोलेगा। तो ये जो है ना ये इसके लिए तो बिल्कुल नहीं। ठीक है हम किसी औरत का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते भैया। और जबकि हम खुद पूनम की बेगुनाही के साक्षी हैं। तुम इनको बताते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं कि तुमने गुड्डी को हवेली से बाहर जाते हुए देखा और उसका पीछा किया और तब हम तुम्हें मिले और हम गए तुम्हारे साथ गुड्डी को ढूंढने। लेकिन फिर गुड्डी ने तुम्हें फोन पे बताया कि वो अपनी सहेली के घर उससे बर्थडे विश करने गई थी और अब वो घर लौट चुकी है। तो हम लोग भी लौट आए। बताती क्यों नहीं तुम? अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो सब गुड्डी से सवाल करेंगे और ये हम होने नहीं दे सकते। जवाब क्यों नहीं दे रही हो पूनम? क्या बात है ठाकुर साहब, आपको व्यापारी नहीं लेखक होना चाहिए था। क्या कहानी लिखी। बस आपसे एक गलती हो गई आप अपनी प्रेमिका को नहीं समझा पाए कि पकड़े गए तो बोलना क्या है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बिंदिया, ये सब क्या बके जा रही हो? इससे पहले ना हम कोठे पे थे, बहुत लोगों से पाला पड़ता था, ज्यादातर शादीशुदा लोगों से पाला पड़ता था। सब के सब कोठे पे आते थे, कम से कम उनमें गैरत तो थी। लेकिन आप हैं कि आप तो घर में ही। बस आज पहली बार हमें तुम्हारी सोच पर घिन आ रही है और हमको हमारी किस्मत पर रोना आ रहा है। बार समझा था लाखन को, एक नहीं सुना, ब्याह कर लाया इस कलंकिनी को। देखिए कमान से निकला तीर, म्यान से निकली तलवार, बंदूक से निकली गोली और मनोहर ठाकुर की बोली एक ही बार निकलती है। एक बार हम फरमान दे दिया तो दे दिया। ए मिथिलेश्वा जी, हमारी बंदूक वाले को लाओ। नहीं, हमने कहा मिथिलेश्वा बंदूक लाओ। जी, बिना सबूत और गवाह के तो अदालत भी किसी को मौत की सजा नहीं देती। अदालत का आंख पे पट्टी बांधा होता है। इश्क करोगे तो हो जाओगे बदना, तोहमते बट्टी नहीं खैरात में। मेरा दावा है होठों पे, बेटा कहाँ रह गया था तू? तेरी बीवी प्रियम के साथ पूरी रात बाहर थी। दादाजी गुस्से में ही। दादा बंदूक हमको दीजिए भैया। इस घर का रिवाज है कि पत्नी के बारे में जो फैसला लेना हो वो पति करता है। तो गुनहगार अगर हमारी पत्नी है तो सजा हम देंगे। लाखन, तुम भी गलत समझ रहे हो। पति पत्नी के बीच का मामला है, बाइली कोई नहीं बोलेगा। भगवान, पूनम ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसके साथ ये अन्याय क्यों? उसकी रक्षा कीजिए। याद है ठकुराई, ऐसे ही बंदूक के दम पे सबके सामने फेरा लिए थे अग्नि का। और कसम खाई थी कि जीवन भर तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें खुश रखेंगे, तुम्हारे सुख दुख का साथी बनेंगे, विश्वास करेंगे। जैसा कि तय हुआ है, दद्दा जी ने बंदूक हमरे हाथ में दे दी, तो जो भी निर्णय लेना होगा वो अब हम लेंगे। हमारी पत्नी की वजह से दद्दा जी, छोटी अम्मा, बड़ी अम्मा, हमारी पत्नी की वजह से आप लोग की नींद खराब हुई, इसके लिए माफी चाहते हैं। अब जाइए और जाके सो जाइए। आपकी पत्नी हमारे पति के साथ बाहर गई थी और आप कहते हैं सो जाइए। आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन हमको फर्क पड़ता है। मना किए थे ना कि अपने पति और हमारी पत्नी का नाम एक साथ मत लेना। अपनी पत्नी को कमरे में ले जाकर समझाएंगे और आप अपने पति को कमरे में ले जाकर समझाइए। समझी भौजाई? का समझाने के लिए चाहिए। को बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात है, आपको बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती छोटे ठाकुर। अरे इस जन्म में इनको देखने का हक सिर्फ हमारा है। तुम ना इनको देखो। चलिए ठाकुराई। आखिर पूनम ने अपनी सफाई में कुछ कहा क्यों नहीं? चुप क्यों रही? ये जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हिलना मत। क्या सोच रही हो ठाकुराई कि हमने नीचे बवाल काहे नहीं किया? क्या ये सोच रही हो कि हम फिर से वो बंदूक वाला खेल खेलेंगे? पहली गोली तुम पे चलाएंगे क्यों? और दूसरी खुद को मारे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। काहे कि हमको तुम पे विश्वास है। क्या है? इधर देखो। कुछ घंटे पहले भांग के नशे में जब तुमने हमको बताया कि बचपन से लेकर आज तक हमने तुमको सिर्फ दुख दिया है, दर्द दिया है, तो हमने कसम खाई कि आज के बाद तुमको खुशियां देंगे। काहे कि हमको तुम पे विश्वास है। काहे विश्वास? विश्वास। और तुमने हमारा वो विश्वास चकनाचूर कर दिया। लाखन ठाकुर, लाखन ठाकुर, प्लीज मत पीजिए, प्लीज मत पीजिए। अपने मासिक को छुए इन हाथों से, मुझे मत छुओ, हमारा प्यार गंदा हो जाएगा, समझी? दूर रहो, दूर। हम दूर रहेंगे, लेकिन आप और मत कीजिए, प्लीज प्लीज मत। अरे संतुलन है, नहीं पिएंगे ना तो होश में आ जाएंगे, और अगर होश में आ गए ना तो तुम पर से हमारा विश्वास उठ जाएगा।